हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज हमने खिचड़ी बनाई है। ये चावल का खिचड़ी है। ये बच्चे बड़े सबको खिला सकते हो आप। इनको खाने में प्रॉब्लम होता है, वो रोटी वगैरह कम खा सकते हैं, तो ये खिचड़ी बहुत इजीली खा लेंगे और बहुत पसंद आता है सबको। तो यही कैसे बनाई है दीदी की, यहाँ पे मैंने आधा कप मैंने दाल लिया हुआ है, मूँग दाल है छिलके वाली, और एक कप राइस लिया हुआ है। तो आपको जैसे आप डोसे के लिए तैयार करते हो सेम वैसे ही करना है। तो देखिए ये धुले हुए मैंने चावल और दाल को धुल लिया है, पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाला हुआ है। आप जितना बनाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे क्योंकि नमक से थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी फीकी फीकी लगेगी वो पसंद नहीं आएगी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा सा दाल और ये चावल जिसको हमने धुल के रखा है वो इसमें ऐड करेंगे दोनों को। तो बस इनको अच्छे से ऐड करके हम इसमें मिक्स करके इसका कुकर को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आपको फिर इसको गैस पे रखना है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं इनको अच्छे से कुकर में मिक्स करके और इसका कवर करके इसको गैस पे रखूँगी। आप इसको पतीली में कुछ में किसी में भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको कुकर में बनाए। और मीडियम फ्लेम पे आपको गैस को रखना है। 3 विसिल तक आपको इसको इंतजार करना है और 3 विसिल बजने के बाद में आप इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी खिचड़ी एकदम बनके रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो एकदम बढ़िया खिली खिली खिचड़ी बनी है। ये बहुत ही अच्छी लगती है। इसको बच्चों को आप जैसे आपके छोटे बच्चे होते हैं तो उनको आप इजीली बना सकते खा सकते हैं, नाश्ते में भी हम खिला सकते हैं सबको। तो बस गाइस यहाँ पे हमको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है। अभी देखिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अभी इसमें हम दूध ऐड करेंगे। आप चाहें तो दही भी ऐड कर सकते हैं, दही से बहुत अच्छी लगती है। तो मैं इसे दूध में ऐड करके और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। तो बस 1 स्पून से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद में हम इसमें थोड़ा सा चीनी डालेंगे। तो 2 टेबल स्पून इसमें हमने चीनी डाला है। आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हो। तो बस गाइस यहाँ पे ये चीनी डालने के बाद में और इनको अच्छे से मिक्स करना है। आपके छोटे बच्चे हैं या बड़े हैं या आपको आपके घर में बड़े पेरेंट्स हैं उनको खाने में प्रॉब्लम होता है तो आप उनको फटाफट से ये बना के दे सकते हैं। ओनली 5-10 मिनट में आपका बन के रेडी हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।